नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट। आज हमारे खास सेगमेंट यादों की झलके में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही दिलचस्प और बेहद ही क्या कहते हैं दर्दनाक किस्सा, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज जिस अदाकारा की बात हम करने वाले हैं वो बड़े पर्दे पर तो काफ़ी सक्सेसफुल रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रियल लाइफ जो उसकी असल ज़िंदगी थी वो किसी गम के पैमाने जैसी ही थी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वेटरन एक्ट्रेस सारिका की। सारिका क्यों बेहद छोटी उम्र से ही परेशानियों का सामना करना पड़ा और बेहद छोटी उम्र में उनके पिता, उनकी माँ और सारिका को अकेला छोड़कर चले गए, जिसके बाद सारिका के ऊपर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई। और जब परिवार के जिम्मेदारी सारिका के पास आई तो उन्होंने बेहद ही कम उम्र में इंडस्ट्री में काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जब जब वो सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी वो असल ज़िंदगी में उतनी ही पीछे खींची जा रही थी, क्योंकि उनकी माँ से भी उनकी नहीं बनती थी। क्योंकि उनका माँ का ना सिर्फ डोमिनेटिंग नेचर था बल्कि वो सारिका के कमाए हुए सारे पैसे भी अपने पास रख लेती थी, जिसके बाद सारिका और सारिका की माँ में ज़्यादा दिनों तक नहीं बनी और सारिका ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और वो भागकर चेन्नई चले गई। जब वो चेन्नई पहुंची तो वहाँ उनकी मुलाकात साउथ सुपरस्टार कमल हसन से हुई। कमल हसन से जब उनकी मुलाकातें शुरू हुई तो उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी तो ये दोनों ही स्टार्स लिविन में रहने लगे और इन दोनों के रिलेशनशिप के किस्से मैगजीन्स और अखबार की टॉप हेडलाइंस पर हुआ करती थी। जब ये लिविन में रहते थे तो साल 1986 में श्रुति हसन को सारिका ने जन्म दिया और तब तक वो कुंवारी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी बेटी के जन्म देने के 2 साल बाद यानी 1988 में सारिका और कमल हसन ने शादी की, लेकिन इनकी शादी भी 14 सालों तक ही चली और साल 2004 में इन दोनों ही स्टार्स ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। सारिका के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उनकी दोनों बेटियों ने अपनी माँ के साथ तलाक के बाद रहने के लिए मना कर दिया। हालांकि अब सारिका और सारिका की दोनों बेटियां अक्षरा और श्रुति हसन के जो रिश्ते हैं अपनी माँ के साथ धीरे धीरे करके सुधर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारिका की जिंदगी में ये कसक अब भी बाकी है कि बड़े पर्दे पर पहले पर्दे पर आपने चाहे कितनी ही कामयाबी हासिल क्यों ना कर ली हो, लेकिन असल जिंदगी में जब तक आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं खड़े होते तो आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। फिलहाल के लिए हमारे स्टूडियो में बस इतना ही, लेकिन एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।